गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, क्या कर रहे हो? गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग, सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, तो लास्ट क्लास में हम लोग प्रेशर पढ़ रहे थे ना, फ्लोटेशन। यस सर। तो कोई मुझे बताएगा, फ्लोटेशन में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? लास्ट टॉपिक क्या हुआ था? सर आपने क्वेश्चन कराए थे लास्ट, क्या कराया था क्वेश्चन में? एन ऑब्जेक्ट वेज 5 kg इन एयर एंड 2 kg इन वाटर, फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहे हो? एन ऑब्जेक्ट वेज 5 kg इन एयर एंड 2 kg इन वाटर, फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये मेरा लास्ट था। अच्छा, ये करवा चुका था। ओके, तो मतलब हम लोग आर्कमिडीज प्रिंसिपल वगैरह पढ़ चुके थे ना। यस सर। ओके, सो ठीक है, फिर इसके आगे का पढ़ेंगे। ये सब पढ़ चुके थे ना, मर्करी बैरोमीटर, मैनोमीटर, रिलेटिव हाँ डेंसिटी, सर। आर्किमिडीज हाँ प्रिंसिपल, सर। प्रूफ फॉर, प्रूफ फॉर आर्किमिडीज यस प्रिंसिपल, सर। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम ऑन यस आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सर। सबमर्ज बॉडीज में। आप लोगों ने ये पहला क्वेश्चन किया था कि दो क्वेश्चन कर लिए थे? एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ये सॉरी वाला सर। क्वेश्चन हो गया था, है ना? तो एन ऑब्जेक्ट सपोज वेज 5 kg इन एयर एंड 2 kg इन वाटर, फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया था, राइट? ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया था कि नहीं? यस सर। पक्का? सर क्लास रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से ऑन है। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है बेटा। जूम में रिकॉर्डिंग करने से थोड़ा इश्यू आ रहा है। सर कितने दिन से वीडियोस भी पोस्ट नहीं हुआ है यूट्यूब पे। बेटा, जो स्टाफ है ना, वो छुट्टी पर है, ठीक है? तो और अभी उसका लॉकडाउन हो गया, जब छुट्टी से लौटा तो इसलिए
सारे स्टाफ छुट्टी पर हैं, तो 2-3 दिन के बाद अपलोड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? ओके सर. ओके, सो हमारे पास एग्जांपल क्या है, एन ऑब्जेक्ट वेज 5 kg इन एयर 2 kg इन वाटर, फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये क्वेश्चन कर चुके हैं ना हम लोग, सबको समझ में आया था कि नहीं? ओके, अगला, एन ऑब्जेक्ट वेज 6 kg इन एयर 4 kg इन वाटर एंड 3 kg इन एन अननोन लिक्विड, फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द अननोन लिक्विड। इस क्वेश्चन को भी मैं करा दूंगा खुद से ही। देखिए क्या है कि हमको दे रखा है कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने जब एयर में वे किया, जब मैंने हवा में इसको टांग दिया और इसका वजन निकाला, वेट निकाला, तो इसका कितना वेट आया? 6 kg। अब केजी में वेट आता है क्या कभी? न्यूटन नहीं सर, न्यूटन में आता है. मास तो 6 kg वे कर रहा है, उसका मतलब क्या, क्या बोलना चाहता है? तो मास बोल मास रहा है, मास नहीं है 6 kg, क्योंकि मास तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग तो आएगा नहीं, आया ना? इफेक्टिव मास, इफेक्टिव मास. इफेक्टिव मास नहीं कह रहा, वो कह रहा है इसका जो वेट है ना वो 6 kg फोर्स है, मतलब कि 6G फोर वेट है इसका, ये कहना चाह रहा है। जब कहा जाए कि एन ऑब्जेक्ट वेज 6 kg, इसका मतलब है उसका जो वेट है वो 6 किलोग्राम फोर्स है। किलोग्राम फोर्स का मतलब क्या होता है? 1 kg फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, ठीक है? कहा गया कि यही ऑब्जेक्ट जब हमने पानी में डाल दिया, इस ऑब्जेक्ट को उठा के मैं पानी में डाल दूंगा, पहले पानी में पानी ला देता हूँ कहीं से, ये मेरे पास पानी है, मैंने इस ऑब्जेक्ट को जब पानी में डाल दिया तो हमने देखा कि अगर मैं पानी में डाल दूंगा तो इसके ऊपर फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे? नीचे बुएंट और लगेगा मास. एम जी, यहाँ तो सिर्फ एम जी लग रहा था, तो ये एम जी की वैल्यू दे रही है आपको 6G, ठीक है? और ऊपर क्या लगेगा? बॉयंट फोर्स बाय वाटर, है ना? हाँ सर, तो इसका जो वेट हो जाएगा इफेक्टिवली वो कितना हो जाएगा? एम जी माइनस माइनस बी बॉयंट डब्ल्यू. फोर्स ऑफ वाटर, यही होगा। बोल रखा है इसकी यस वैल्यू सर. कितनी है? इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 4G, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? नहीं नो सर. अब देखो क्या किया हम लोगों ने, इस पूरे के पूरे सिस्टम को उठाकर, इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को उठा के पानी की जगह किसी दूसरे लिक्विड में रख देंगे। तो काम करते हैं, पानी की जगह दूसरा लिक्विड बना देते हैं, अगर मैं पानी की जगह इसको दूसरे लिक्विड में रख दूंगा तो क्या देखूंगा कि इसके ऊपर नीचे तो फोर्स 4G लगेगा, है ना? सॉरी एम जी लगेगा, हाँ सर. लिक्विड का कलर चेंज कर देते हैं, लेट से लिक्विड जो लाल हो गया ये वाला, ऊपर भी फोर्स लगेगा, लेकिन इस बार बॉयंट फोर्स ऑफ वाटर नहीं लगेगा बल्कि बॉयंट फोर्स ऑफ दिस अननोन लिक्विड लिक्विड लगेगा। तो अनलिक्विड इसका जो इफेक्टिव वेट हो जाएगा कितना हो जाएगा? एम जी माइनस बॉयंट फोर्स ऑफ अननोन बीएल लिक्विड इज इक्वल टू 3 किलोग्राम फोर्स, 3G, थ्री. है ना बेटा? हाँ सर. तो ये मेरा इक्वेशन 1 बन गया, ये इक्वेशन 2 बन गया, ये इक्वेशन 3 बन गया, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? नो हुँ? सर. अब मैं इक्वेशन 1 में से 2 को अगर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? बॉयंट फोर्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 2G। अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? बॉयंट फोर्स ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 3G, हाँ या ना? यस सर. अब मुझे यस बताओ बॉयंट फोर्स ऑफ वाटर होगा सर. कितना? बॉयंट फोर्स ऑफ वाटर होगा कितना? डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी, हाँ या ना? यस. बॉयंट फोर्स ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यही अगर कहीं यस कन्फ्यूजन होगा तो सर. इसी में होगा, इसमें और इसमें, समझ में आ रहा है ये हाँ सर. पक्का? यस सर. कैसे हुआ ये? डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम क्या हो गया? मास ऑफ वाटर इंटू जी क्या हो गया? वेट ऑफ वाटर। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस दिस रो डब्ल्यू वी जी एंड वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस दिस रो एल वी जी, हाँ या ना? यस सर.
तो अगर मैं इसको बोल लेट्स से इक्वेशन नंबर 4 कह दूं और इसको इक्वेशन नंबर 5 कह दूं, तो मैं क्या कह सकता हूं, यहां से यहां वैल्यू डाल दूं, यहां से यहां वैल्यू डाल दूं, तो मुझे मिल जाएगा दिस इंप्लाइज रो डब्ल्यू वी जी इज इक्वल टू 2g एंड रो एल वी जी इज इक्वल टू 3g। ये v क्या है? वॉल्यूम ऑफ दिस ऑब्जेक्ट है, हाँ कि नहीं? हाँ सर, तो इसको यस मैंने अगर सर। इक्वेशन नंबर लेट्स से 6 कह दिया, इसको इक्वेशन नंबर 7 कह दिया, तो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड, मतलब मुझे नीडेड क्या है पहले तो बताना चाहिए, टारगेट तो बताना चाहिए, तब तो गोल मरेगा। अगर पता ही नहीं गोल पोस्ट कहाँ है तो गोल कैसे करोगे? तो टारगेट क्या है हमें निकालना, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड, दैट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, हाँ या ना? यस सर। तो वो कैसे निकलेगा? साफ साफ दिख रहा है, इक्वेशन नंबर 7 को अगर मैं डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 6 से, तो मुझे क्या मिल जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 3/2 या फिर 1.5। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, 7 इक्वेशन मैंने जबरदस्ती आपको स्टेप वाइज समझाने के लिए बनाई है, और कुछ नहीं है। 7 इक्वेशन की जरूरत थी क्या? नहीं सर। वो मैंने जबरदस्ती बनाया है ताकि आपको स्टेप वाइज समझ में आए कि पहले ये क्या, फिर 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 ये क्या, ठीक है? अगर उतना नहीं बनाओ तो चलेगा ना? हाँ अरे इतना हर बार थोड़ा, हर चीज को थोड़ा इक्वेशन लिख देते हो यार, सर। ठीक है? अब इसको कोई इक्वेशन लिखता है क्या? ये 4, 5 तो जबरदस्ती है। हाँ, 3 बनेंगी, उससे जो ये दोनों बनेगा उसमें अपन लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे, तो 5 तो बनेगी, है ना? हाँ सर, समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? यस सर, यस ओके, तो आगे बढ़ता हूँ मैं, बढ़ जाऊं? यस सर, यस सर। ये क्वेश्चन बताएंगे, सॉल्व करेंगे। कॉपी हो, क्वेश्चन सॉल्व हुआ? अरे क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ?
देखो भाई क्या हो रहा है, आपको कहा गया है कि एक क्यूब है जिसको पानी में गिरने के लिए हम लोगों ने छोड़ दिया, तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा एम जी, है ना, बॉयंट फोर्स ऊपर लगेगा बी, और नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं ए आया। मुझे यही एक्सेलरेशन निकालना है, मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि आपका एम जी माइनस बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होगा, हाँ या ना। यस सर। अब इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें कुछ सिर्फ स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया और कुछ नहीं दिया गया, इसके लिए मैं इसकी डेंसिटी को रो बोल देता हूँ और लिक्विड या वाटर की डेंसिटी को रो वाटर बोल देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत। नो सर। अगर इसका वॉल्यूम हम वी है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एम जी कितना हो जाएगा, एम कितना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और जी तो पहले वी भी और था, जी। माइनस बॉइंट फोर्स कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू जी इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन, हाँ या ना। हाँ सर। तो क्या हुआ, वी 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 तो कॉमन आके कैंसिल हो जाएंगे, दिस इंप्लाइज हाँ रो सर। माइनस रो वाटर इंटू जी इज इक्वल टू रो इंटू एक्सेलरेशन, हाँ या ना। मुझे निकालना है क्या एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, वन माइनस रो वाटर बाय रो इंटू जी। आपको दे रखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.5, मतलब क्या दे रखा है आपको, रो अपॉन रो वाटर दे रखा है कि नहीं दे रखा, यस क्या दे रखा है सर। आपको, ये आपको ये दे रखा है रो अपॉन रो वाटर इज इक्वल टू 1.5, और यहाँ क्या आ रहा है, रो वाटर अपॉन रो, तो मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज रो वाटर अपॉन रो इज इक्वल टू, ये 3/2 है तो ये 2/3 हो जाएगा, हाँ या ना। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा दिस इंप्लाइज एक्सलरेशन इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 टाइम्स जी, दैट इज इक्वल टू जी बाय थ्री आंसर। कोई दिक्कत है इसमें, एक बार फिर यही से समझाइए ना। क्वेश्चन समझ में आई। हाँ सर। समझ में आ गया पक्का। यस सर। अच्छा अब मुझे बताओ ये मास m कितना होगा अगर इसकी डेंसिटी रो है और वॉल्यूम v है, तो बताओ रो इनटू वॉल्यूम। मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, यस सर। तो रो इंटू वॉल्यूम से अपन को मास मिल गया, है ना। फिर बॉयंट फोर्स कितना होता है बेटा, अच्छा वही मास हमने यहाँ पे भी सब्सटीट्यूट कर दिया रो इंटू वॉल्यूम, यहाँ ये दो तो क्लियर है, बचा क्या बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स कितना होता है, सॉरी वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, लिक्विड कितना डिस्प्लेस हुआ इसी वॉल्यूम वी के बराबर, है रो वाटर इनटू जी। ना। तो कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम मास ऑफ वाटर हो गया इंटू जी वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत। हमने इसको हमने नो इसमें सर। देखा तो वॉल्यूम कॉमन आके कैंसिल हो गया, सीधे सीधे इक्वेशन बन गई है, एक्सेलरेशन आ गया, ये बस हमें रो डब्ल्यू बाय रो चाहिए था, तो रो बाय रो डब्ल्यू तो पता ही था, रो डब्ल्यू बाय रो डाल दिया आंसर आ गया, है ना। यस सर। समझ में आया, यस सर। चलो कॉपी यस कॉपी कर लो सब लोग, सर। ये तो हो गया। डन, ठीक है बेटा आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया ना, अच्छा नहीं अलग है,
हो गया। नहीं हुआ अभी तक सॉल्व। नहीं हुआ। जल्दी बोलो यार, आप ही लोगों का इंतजार कर रहा हूँ मैं। यस सर, हो गया। आप ही कर दीजिए। ओके चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन में दे रखा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बॉल इज टू, तो इसको हम लोग, इसकी डेंसिटी को रो मान लेते हैं, सॉरी इसकी डेंसिटी को हम लोग रो मान लेते हैं, और ये जो लिक्विड है ना, इसकी डेंसिटी को हम लोग रो लिक्विड मान लेते हैं। तो हमें क्या दे रखा है सबसे पहले क्वेश्चन में वो समझ लेते हैं। हमें दे रखा है कि रो अपॉन रो वाटर इज इक्वल टू टू एंड रो लिक्विड अपॉन रो वाटर इज इक्वल टू 1.5 या फिर 3/2, है ना? कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। ओके अब हम क्या बोलेंगे, तो फिर इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस क्या होंगे? तो सबसे पहले तो इसको ग्रेविटी नीचे खींचेगी विथ फोर्स एम जी, और इसको बॉयंट फोर्स इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा बी, है ना? हाँ सर, ओके। और हमें इसकी डेंसिटी एक्स, हमें इसका एक्सेलरेशन ए बताना है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सीधी सी बात है जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही करना है। एम जी माइनस बॉइंट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दिस इम्प्लाइज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम इंटू जी इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ए। तो यहाँ से वी कॉमन आएगा, इस वी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वी ये वी ये वी तीनों हट गए। ठीक है, क्या बचा? दिस इम्प्लाइज रो माइनस रो एल इंटू जी इज इक्वल टू रो ए, दिस इम्प्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 1 माइनस रो एल बाय रो इंटू जी। तो बेसिकली अपन को रो एल बाय रो चाहिए, उसके लिए मैंने बात करी इन इक्वेशंस पे, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू पर। अगर मैंने, मेरे को चाहिए रो एल बाय रो, तो मैंने टू को डिवाइड कर दिया इक्वेशन वन से, तो क्या बचा? रो डब्ल्यू कैंसिल हो गया, क्या बचा? रो एल बाय रो बचा कि नहीं बचा, है ना? यस दैट इज इक्वल टू कितना आ गया? सर, 3/4 आया। डिवाइड करके देख लो ना, 3/2 / 2 कितना आएगा? 3/4 आएगा। ठीक है, इसको उठा के हमने डाल दिया यहाँ पर, तो मुझे क्या मिला? दिस इम्प्लाइज एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 1 - 3/4 इज 1/4, तो जी बाय 4, ये अपना आंसर है। कोई दिक्कत किसी को? बता दो भैया।
सर। नहीं आगे बढ़े फिर। हाँ सर। ओके फिर आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लिया था ना सबने? सिर्फ थोड़ा सा बचा हुआ था। कर लो। सर हो गया। हो गया? यस सर। ठीक है बेटा, तो थोड़ा सा आराम से आगे बढ़ते हैं। समझ में सब कुछ सबको आ रहा है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बताएंगे फिर अब। सर सेम ही तो है। सेम ही है ना, लेकिन अगर आप सॉल्व कर दो क्वेश्चन सेम है, अब मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा। आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो आप पाओगे कि जो एक्सेलरेशन आएगा ना, अगर लास्ट क्वेश्चन की तरह सॉल्व करोगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? नेगेटिव, मतलब कि बॉल जो है वो सर नीचे ऊपर उठ नहीं रहा है जाएगी, ऊपर चली जाएगी एक्सेलरेशन से। सर, मतलब डेंसिटी कम है। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉल की कम है और लिक्विड की ज्यादा है। तो बॉल हल्की है और लिक्विड भारी है, इसलिए बॉल ऊपर चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। पक्का? यस सर। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि चीजें लिक्विड में ऊपर की तरफ जाएं। आपने कभी देखा है ऐसा कि नहीं देखा होते हुए? हाँ सर। कब देखा है, कैसे हाँ देखा सर, पानी में जो प्लास्टिक का बॉल ऊपर चला जाता है है? हाँ, पानी या प्लास्टिक का बॉल ऊपर चला जाता है। ठीक है, चलो आगे सर, बढ़ते हैं। बोट। लकड़ी भी डाल दोगे पानी के अंदर तो लकड़ी ऊपर चली जाएगी, राइट? है ना? तो एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, अभी तक अपन लोगों ने जो दो तरीके क्वेश्चन किए थे ना, उन दोनों का को जोड़ दिया है। 6 kg इन एयर, 2 kg इन वाटर, इसका यूज करके आप रिलेटिव डेंसिटी निकाल लोगे ऑब्जेक्ट की कि नहीं निकाल पाओगे? है हाँ सर। हाँ सर। ना? तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डन हो जाएगा यहाँ पर इस लाइन से, है ना? फिर आपको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, लिक्विड का रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है, एक्सेलरेशन निकाला है। तो बेसिकली अभी तक आपने जो दो तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए, दोनों के दोनों यहाँ पे सॉल्व करने हैं ना? हाँ या ना? हाँ सर। तो आप क्या करोगे, ये पिछला वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों नोट कर लोगे, खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है? सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाइए एक बार ये कॉपी हो गया स्क्रीन सबका पहले? पर। हाँ सर, यस ये हो सर। गया। ये वाला भी कॉपी कर लो। देखिए डिफिकल्ट क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, छोटे छोटे क्वेश्चन जोड़ दो, डिफिकल्ट बन जाएगा। यहाँ 2 जोड़े 10 जोड़ देंगे तो डिफिकल्ट, अच्छा खासा डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ या ना? यस। तो किसी भी बड़े क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो इफेक्टिवली क्या करना होता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने होते हैं। हर छोटे टुकड़े को सॉल्व कर लोगे तो बड़ा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कॉपी हो गया यस सर। सबका? ठीक यस सर। है फिर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला हमारा टॉपिक है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट देखा है आप लोगों ने कि नहीं देखे कभी? किस हाँ किस सर। किस किस को इस यस तरीके से सर। स्विम करना आता है? आता है किसी को? सर सीखना है। यस सर। आता है? सपने में रोज हाँ आता सर। है। मैं सिर्फ इतना ही कर पाता हूँ, इससे आगे कुछ नहीं आता मेरे को, ठीक है? इसने मेरी वाली फोटो डाल दी। वैसे आपने देखा होगा आदमी इस तरीके से फ्लोट करते, कभी देखा किसी को पानी में इस तरीके से फ्लोट करते हुए? हाँ सर, हाँ डेड सी सर, के जब पिक्चर स्विमिंग देखे। करते तब फ्लोट डेड सी में। हाँ सर डेड सी के पिक्चर में देखे हैं। हाँ
बोट भी देखा होगा आपने, बोट भी पानी के ऊपर फ्लोट करती रहती है। सर ये घर कभी नहीं देखा, अजीबोगरीब है। ये होटल है, फ्लोटिंग होटल है, दिस इज सुंदर है। हाँ सर, दिस इज अ फ्लोटिंग होटल सर, कितना छोटा होटल है। ऐसे खूब सारे लगा देंगे लाइन से तो बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा ब्लैक स्क्रीन आ रहा है, ब्लैक को सही कर दे रहे हैं अभी, महल हो जाएगा। यस सर। अच्छा सॉरी मैं गलत बोल गया, फ्लोटिंग होटल नहीं, फ्लोटिंग हाउस है। फ्लोटिंग होटल की दूसरी फोटो थी जो मैंने डाली नहीं, मैं गलत बोल गया। ये फ्लोटिंग होटल नहीं है, फ्लोटिंग हाउस है। तो मुझे एक बार इसे मिटा ले, फ्लोटिंग हाउस सर जो भी रहता है सर बीच समंदर में रहता है। अरे भाई क्यों नहीं हो सकता, सैर करते रहते हैं। क्यों नहीं हो सकता, लोग समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं, उन्होंने बोला तुमको समुद्र के अंदर घुमाते हैं, आ जाओ। सर अगर सुनामी आ गया तो? सुनामी ऐसे थोड़ा था, वार्निंग तो होती है ना। तब तो ऐसे भी अर्थक्वेक आ ही सकता है इधर से भी कभी भी। हाँ ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, सुनामी और अर्थक्वेक घूमने के नाम पे आप लोग। ओके तो मुझे बताइए, व्हेन डज अ बॉडी फ्लोट इन अ लिक्विड? जब बॉयंट फोर्स वेट से ज्यादा होता है। किसी ने कहा कि इफ बॉयंट ग्रेविटी कम और रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा होगा तो? एक ने कहा बॉयंट फोर्स एमजी से बड़ा हो, किसी ने कहा कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, या रिलेटिव डेंसिटी नहीं बोलना चाहते, रिलेटिव डेंसिटी शायद गलत यूज कर लिया, मेरे ख्याल से वो बोलना चाहते थे डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी की जरूरत क्या है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये कहना चाह रहे हो ना आप? सर वो वाला क्वेश्चन में जैसे था ग्रेविटी कम था और रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा था। हाँ तो एक ही बात है ना, रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगा, राइट है ना? अरे भैया रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, अगर रिलेटिव डेंसिटी बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी ना। ओके तो हम कह रहे हैं कि बॉयंट फोर्स एमजी से बड़ा हो, हम नहीं कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बॉयंट फोर्स एमजी से बड़ा हो या फिर ये चीज हो जाए तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, हाँ या ना? हाँ, यही कह रहे हो? देखो ये तो गलत है, क्यों गलत है कोई बता सकता है इसका एग्जाम्पल इसमें ये गलत हो जाता है? शिप को देखा कभी फ्लोट करते हुए? शिप किसका बनता है? मेटल, मेटल का, स्टील, स्टेनलेस, स्टील का, स्टील का शिप पानी में फ्लोट कर रहा होता है। स्टील की डेंसिटी ज्यादा की पानी की? स्टील, स्टील तब भी फ्लोट कर रहा है, तो डेंसिटी से तो मतलब सर तो क्या ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है? या वॉल्यूम पे डिपेंड करता है? अब सुन लो, सुन लो, तो मतलब बेसिकली ये तो गलत है। अब बात होती है यहाँ पर कि बॉयंट फोर्स ग्रेटर देन एमजी, इसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे जब चैप्टर का लास्ट टॉपिक हो गया, ठीक है? अगला है बॉयंट फोर्स ग्रेटर देन एमजी, बॉयंट फोर्स अगर एमजी से बड़ा होगा तो फ्लोट करेगा, ये भी गलत है। ऑल्दो आपकी किताब में यही लिखा हुआ पर ये गलत है। सर अगर वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर लिक्विड से ज्यादा होगा तो? देखो समझो बात को, अगर बॉयंट फोर्स एमजी से बड़ा हो गया, मान लेते ये ऑब्जेक्ट है, इस पे एमजी नीचे लग रहा है, बॉयंट फोर्स ऊपर लग रहा है, और बॉयंट फोर्स एम जी से बड़ा है, तो क्या ये फ्लोट करेगा या ऊपर निकल जाएगा? नेट फोर्स, नेट फोर्स अपर डायरेक्शन में हो गया ना, ऊपर निकल जाएगा। तो ये गलत है, सही क्या है, जब फ्लोट करेगा ना ऑब्जेक्ट तो बॉयंट फोर्स इज इक्वल टू एम जी होगा, दिस इज योर एक तरीके से इक्वेशन फॉर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, ये हो गया, ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी तक जब हम लोग सबमर्ज्ड बॉडीज पढ़ रहे थे उन सब में हम लोगों ने क्या इक्वेशन यूज करी थी आपको पता भी नहीं चला था कि वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ये यूज कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे बिना किसी? यस सर कर रहे थे, हर बार कर रहे थे ना? यस सर। हाँ सर। अब क्योंकि फ्लोट कर रहा है तो आधा ऑब्जेक्ट तो पानी के बाहर है या लिक्विड के बाहर है, तो उस केस में क्या हम डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कह सकते हैं? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? हाँ सर कह सकते हैं।
नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पानी के अंदर नहीं है। तो ये जो स्टेट, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो इक्वेशन है ना, ये यहाँ गलत हो जाती है फॉर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कोई दूसरी इक्वेशन चाहिए होगी तब ना सॉल्व होगा। दूसरी इक्वेशन क्या है यहाँ? सर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड। क्या सर वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड होगा वो? हाँ वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्स्ड होगा, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के बराबर नहीं होगा ना। हाँ सर। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें कोई दूसरी इक्वेशन चाहिए। अगर एक इक्वेशन काम नहीं कर रही तो दूसरी इक्वेशन चाहिए। दूसरी इक्वेशन पे बॉयंट फोर्स इक्वल टू एम जी। जब बॉयंट फोर्स इक्वल टू एम जी होता है तब आपका ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। हाँ या ना? और इसी का यूज करके हम लोग इसके ऊपर बेस सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा? यस सर। अब आगे बढ़ते हैं फिर। तो अगला ये कुछ सवाल उठता है कि भैया डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट होता क्या है? एक फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्प्लेस वॉल्यूम हम लोग लिखेंगे कैसे, है ना? तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, एक कंटेनर बनाता हूं। ठीक है, इस कंटेनर में थोड़ा सा पानी भर देते हैं, या पहले एक पानी भरेंगे तो दिक्कत होगी। चलो पहले चलो भर देते हैं पानी, कोई बात नहीं। लेट से यहां तक पानी भरा हुआ था। लेट से यहां तक पानी भरा हुआ था, ठीक है, या कोई भी लिक्विड भरा हुआ था। अब हमने क्या किया, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को डाल दिया। हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट था ऐसे रखा हुआ, हमारा मन किया हमने इस ऑब्जेक्ट को उठाया और पानी के अंदर से डाल दिया। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, पानी का लेवल यहीं रहेगा कि थोड़ा ऊपर आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, राइज करेगा ना वाटर का लेवल। तो वाटर का लेवल मैंने बोला, लेट से राइज करके वाटर का लेवल पहुंच चुका है, या लिक्विड का लेवल राइज करके पहुंच गया यहाँ पर। ठीक है, ओरिजिनली कहाँ था लिक्विड का लेवल? नीचे। ओरिजिनली लिक्विड का लेवल था यहाँ पर, ऑब्जेक्ट को डुबोने के बाद लेवल पहुंच गया यहाँ पर, है ना? तो दिस इज द राइज इन लिक्विड लेवल, है ना? कोई दिक्कत? अब मुझे बताओ, मैं डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम निकालने में मैं कंफ्यूज हो गया कि सर डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम अब मैं किसको कहूँ? क्या मैं इस वॉल्यूम को डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कहूँ, या मैं इस वॉल्यूम को डिस्प्लेस वॉल्यूम कहूँ, या इन दोनों वॉल्यूम्स को मिला के डिस्प्लेस वॉल्यूम कहूँ? मान लेते हैं ये वाला मेरा वॉल्यूम V, अच्छा मान लेते हैं ये वाला जो मेरा वॉल्यूम है ये V2 है, ये वाला वॉल्यूम V1 है। तो बताइए तो जरा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड क्या होगा? ये V1, V1 होगा, V2 होगा, या V1 प्लस V2 होगा? V1। V1। क्या होगा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम, V1, V2 या V1 प्लस V2? बताइए जरा। V1। V1। नहीं, द करेक्ट आंसर इज V1 प्लस V2। V1 प्लस V2। प्लस V2। ठीक है, क्या होगा नई स्टेट में the volume of liquid, sorry, the volume of object below the liquid surface. क्या होता है? Volume displaced is equal to volume of object below liquid surface. समझ में आई बात? तो V1 plus V2 जो है ना वो आपका डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा। सबसे पहले तो ये क्लियर होगा तब तो आगे के क्वेश्चंस कर पाएंगे। हाँ या ना? यस यस सर। तो कॉपी कर लो फिर। ये तो हो गया।
समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? हाँ बेटा सर, वी वन वाला एरिया ही तो हटा है, मतलब वही वाला तो वो एरिया है ऑब्जेक्ट का जो वाटर देखो को बेटा आपको उस याद वॉल्यूम होगा, को एक रिमूव सेकंड किया। आपको याद होगा मैंने बॉयंट फोर्स का डेरिवेशन कराया था, कराया था कि नहीं? सर डेरिवेशन कैसे कराया था? यूजिंग प्रेशर। प्रेशर कैसे यूज किया करोगे आप? लिक्विड के करंट वॉल्यूम से नीचे आ जाएगा ना रो जी एच, ये वाला हाइट यूज होगा ना प्रेशर के लिए। तो जो यहां से जो ऊपर प्रेशर लग रहा होगा वो इस रो जी एच के हिसाब से लगेगा, हाँ या ना? यस सर। तो फोर्स भी इसी रो जी एच के हिसाब से लगेगा, हाँ या ना? यस सर। तो बॉइंट फोर्स भी इसी एच के हिसाब से लगेगा कि नहीं लगेगा? यस सर। इस ओरिजिनल वाले से कोई मतलब है क्या? नहीं मतलब है। नो सर। समझ में आई बात? तो जो बॉयंट फोर्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो डिस्प्लेस वॉल्यूम यूज करोगे दैट विल बी दिस कंप्लीट वॉल्यूम, ये पूरा वी वन प्लस वी टू। ठीक है, मुझे मालूम है यहाँ कन्फ्यूजन होता है इसलिए मैंने इसको अलग से टॉपिक लिया। ठीक है यस सर। चलो, और ये चीज कोई नहीं बताता, मैं खुद परेशान हो गया था, मेरे किसी टीचर ने कभी नहीं बताया ये मेरे को। 5 क्वेश्चन करके ट्राई करना पड़ा, अच्छा इससे आंसर आ रहा है इससे आंसर नहीं आ रहा, मतलब इसको कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। ओके, तो क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पे ये वाला कि एन ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग इन वाटर विद 40% ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द वाटर सरफेस, व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? जनरली क्या होगा, आपको वहां पर क्या निकालना पड़ रहा था, निकालने के लिए बोला जा रहा था इफेक्टिव वेट या फिर बॉयंट फोर्स, राइट? है ना? यस सर। यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोला जाएगा? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के केस में डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम सबमर्ज्ड या फिर वॉल्यूम अबव निकालने के लिए बोला जाएगा, है ना? या फिर रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए बोला जाएगा। बेसिकली मतलब क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो मैंने यहां बोला कि लेट्स से वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वी नॉट। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द वॉल्यूम अबव वाटर सरफेस इज 40% ऑफ वी नॉट। वॉल्यूम अबव इज इक्वल टू 0.4 वी नॉट, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ सर। दिस इंप्लाइज वॉल्यूम बिलो द वॉटर सरफेस इज इक्वल टू 0.6 वी नॉट। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस, क्योंकि वॉल्यूम डिस्प्लेस का फंडा यही है, वॉल्यूम बिलो इज वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, हाँ या ना? यस सर। तो अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ये तो अपना वॉल्यूम डिस्प्लेस हमको पता चल गया, हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन लगानी है फ्लोटेशन की। फ्लोटेशन की इक्वेशन क्या कहती है? फॉर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स बॉयंट फोर्स हैज टू बी इक्वल टू एम जी, है ना? यस सर। दिस इंप्लाइज अ बॉयंट फोर्स कितना होगा, कोई मुझे बताएगा बॉयंट फोर्स कितना होगा? डेंसिटी ऑफ वॉटर इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू जी इज इक्वल टू मास कितना होगा? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू टोटल वॉल्यूम वी नॉट इंटू जी, हाँ या ना? यस सर। तो जी ने जी को मार दिया। दिस इंप्लाइज आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए रिलेटिव डेंसिटी, मतलब आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉटर। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन सॉरी वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय वी नॉट। दिस इज इक्वल टू 0.6 वी नॉट अपॉन वी नॉट दैट इज इक्वल टू 0.6, यही आपका आंसर है। तो रिलेटिव डेंसिटी आ गई 0.6। Yes, आसान है कि डिफिकल्ट है? ये इजी है, कॉपी कर लो। Easy.
सर डन डन आगे बढ़ूं? यस सर नहीं बढ़ना? यस सर बढ़िया ओके सो अगला क्वेश्चन ये है कि आइस हैज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ 0.91 व्हाट फ्रैक्शन ऑफ आइसबर्ग विल रिमेन बिलो द सी लेवल सर अगले क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का ऑपोजिट है क्या हाँ सेम क्वेश्चन ही है थोड़ा सा बस रिलेटिव डेंसिटी पूछने की जगह कितना बिलो द सी लेवल रहेगा ये पूछ लिया है ना तो क्या बोलेंगे लेट से जो ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम है वी नॉट ये हमने अज्यूम कर लिया एंड लेट से फ्रैक्शन बिलो इज एक्स एक्स इज द फ्रैक्शन जो आपको निकालना है ना दिस इंप्लाइज वॉल्यूम बिलो कितना हो जाएगा कोई बताएगा मेरे को एक्स वी नॉट होगा कि नहीं होगा हाँ सर होगा कि नहीं होगा यस सर सो नाउ फॉर फ्लोटेशन फॉर फ्लोटिंग बॉडीज बॉयंट फोर्स हैज टू बी इक्वल टू mg this implies rho water into volume displaced into g is equal to rho yahan pe iceberg hai to rho ice into total volume v naught into g g g mar gaye kya bacha this implies acha rho रो वाटर को इधर ले जा रहा हूँ वॉल्यूम डिस्प्लेस कितना होगा एक्स वी नॉट होगा सो एक्स वी नॉट इज इक्वल टू रो आइस अपॉन रो वाटर इनटू वी नॉट तो वी नॉट मर गया तो क्या बचा दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 0.91 और 91% ऑफ आइसबर्ग इज बिलो द सी लेवल ऊपर कितना होगा फिर 9% सिर्फ 9% होगा 9% समझ में आई बात कितना डेंजरस है जो समुद्र में जो शिप्स जा रही हैं उनके लिए कितना डेंजरस है सारा का सारा आइसबर्ग तो समुद्र के नीचे है ऊपर तो कुछ है ही नहीं है ना दिखेगा छोटा सा होगा इतना बड़ा सा पत्थर शिप टकरा जाएगी तो शिप को चोट लग सकती है शिप डूब सकती है ना यस सर कभी सुना है नाम टाइटैनिक का कि नहीं सुना है यस सर ऐसे ही डूबी थी क्योंकि आइसबर्ग कुछ ऐसा था बता देता हूँ आइसबर्ग कैसा था अरे बता देता हूँ आइसबर्ग कैसा था आइसबर्ग कुछ ऐसा था दिख रहा है हाँ सर हाँ यस सर ऊपर इतना सा है और नीचे कितना सारा है दिख रहा है हाँ सर पूरा समझ में आया बहुत डेंजरस तो आइसबर्ग क्यों डेंजरस होता है समझ में आ गया शिप्स वगैरह के लिए यस सर हाँ सर ये ऐसे फॉर्म कैसे होता है क्या सर ये फॉर्म कैसे होता है बेटा समुद्र बर्फ जमने से होता है बर्फ जो अपने नॉर्थ पोल वगैरह पे जमी हुई है उसमें कुछ टूट के गिर जाती है आइसबर्ग बन जाता है ओके सर ठीक है चलो आगे बढ़े सर यहाँ v नॉट क्या है क्या v नॉट बेटा वॉल्यूम ऑफ v नॉट इस पूरे वॉल्यूम को कहा था मैंने ये जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है ना ये पूरा वॉल्यूम v नॉट है ये पूरा का पूरा वॉल्यूम कितना है ओके v नॉट ठीक है तो नीचे वाला वॉल्यूम कितना हो जाएगा नीचे वाला वॉल्यूम हो गया मेरा x v नॉट ये वाला जो वॉल्यूम है ये एक्स वी नॉट है ठीक है और टोटल वॉल्यूम जो है वो कितना है टोटल वॉल्यूम वी नॉट ठीक है बेटा
हाँ सर, आगे बढ़े। यस सर। ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। ये खुद से ट्राई करोगे, दो क्वेश्चन उधर एक क्वेश्चन इधर, खुद से ट्राई कर लोगे ये वाला क्वेश्चन। सर कॉपी कर लो बस जल्दी जल्दी। अच्छा आप लोगों की हाफ ईयरली ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव? से कुछ नहीं बोला नहीं पता गया है सर, ऑब्जेक्टिव ही होगा सर, हम लोग को ऑब्जेक्टिव ही होगा सर, और क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्टिव साल होगा। सब्जेक्टिव कुछ तो हो ही नहीं रहा। तो ये क्लासेस फॉलो कर रहे हो ना ठीक से? ऐसा तो नहीं होगा ना कि 10th क्लास में जाके बोलोगे 9th क्लास में लॉकडाउन था तो सर कुछ कुछ कोई पढ़ाई नहीं हुई ठीक से, कुछ आता नहीं 9th क्लास वाला, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं सर, आप तो पढ़ा रहे हैं। सर माई स्कूल का सीरियसली करते हैं, ठीक है बेटा, हाँ सर स्कूल में सोते हैं बस। ठीक है। तो माई स्कूल में करके तो आपका कुछ बचेगा ही नहीं ना उसमें, मतलब वो तो पूरा हो ही जा रहा है आपके स्कूल का, उससे ज्यादा ही हो जा रहा है। स्कूल का करने के लिए अच्छा इच्छा नहीं होता है सर, चलो ठीक है। बोरिंग सर, स्कूल में बाकी सारा सब्जेक्ट फालतू चलता है। ये कॉपी हो गया क्वेश्चन, यस सर, आगे बढ़ यस जाऊं? ओके, सर। तो अपना वही नीडल वर्सेस शिप क्वेश्चन आ गया भैया। नीडल फ्लोट कर जाती, नीडल फ्लोट करता है क्या? नीडल किसका बना है? शिप स्टील फ्लोट का। नहीं करता है। शिप किसका बना है? स्टील का। शिप बड़ा है, ये फ्लोट कर जाता है, और नीडल, सॉरी नीडल जो है वो सिंक कर जाता है। सिंक कर जाए। तो कुछ लोगों ने, जिन्होंने कहा था सर जिसकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करेगा, तो वो मुझे बताएं कि स्टील की डेंसिटी पानी से कम है या ज्यादा है? नीडल सिंक कर जा रही है इसके हिसाब से ज्यादा है, और शिप फ्लोट कर रहा है इसके हिसाब से कम है, तो क्या सच है? सर निडल का तो टिप काफी पतला होता है, इस कारण वो सिंक हो जाती है। सर बिल्कुल ही गलत बोला आपने, बहुत ही ज्यादा गलत बोला, इतना वॉल्यूम के लिए होता सर, है। वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस वाटर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर। सर कितना एयर उसमें है सर, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो भैया ऐसा है कि बात समझो, अपना तो शिप में हॉलो टाइप का रहता है ना अंदर हाँ वही है, में। अपन लोग कभी नहाए तो होंगे, हाँ सर, तो नहाते वक्त कभी बाथरूम में स्टील का कटोरा वगैरह हाथ में आया है? नो सर, सर प्लास्टिक फेंक का दिया है। कभी लेके नो गए सर, बचपन में खेलने के लिए ऐसे ही पानी के पास में स्टील का सर कटोरा? स्टील का लेके सही क्या याद करेंगे नहीं। जी। स्टील की कटोरी अभी लेके गए हो? नहीं वो, हाँ नहीं लेके गए हो? हाँ सर, देख लिए थे एक बार। ले हो, ले कभी ना कभी तो लेके गई होगे यार, ऐसा तो मत करो। सिर्फ ये इसलिए प्लास्टिक बता मग रहा सिर्फ देखा है हूँ। अरे बाथरूम प्लास्टिक में। मग, तो प्लास्टिक तो ऐसे भी हल्का होता है ना, स्टील की बात कर रहे हैं हम। नहीं क्या, सर कोई बात नहीं, किचन में दे नहीं क्या दिए तो कोई हैं बात नहीं, पानी आज कर में। लेना यार, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो गलत है, तो चीज ही बेकार है, छोड़ो। तो ये मान लेते हैं कोई कंटेनर है, ठीक है, इसमें पवन ने पानी भर दिया।
इस पानी के अंदर मैं एक कटोरा रख देता हूँ कुछ इस तरीके का। देखो स्टील के नीडल का सिंक करना समझ में आता है क्योंकि स्टील की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है। सवाल ये है कि शिप क्यों फ्लोट कर रही है। तो सोचिए जो शिप फ्लोट कर रही है, स्टील की बनी हुई शिप अगर फ्लोट कर रही है तो उस शिप का शेप कैसा होता है? करीब करीब एक कटोरे के जैसा होता है कि नहीं होता? हाँ है ना, स्ट्रीमलाइन शेप हाँ सर होता है ना। यस तो मैंने क्या किया, पानी में एक कटोरा रख दिया, ठीक है। तो जो एक सेकंड, मुझे ये बतलाइए कि ये जो स्टील है, स्टील कहाँ पर है? सिर्फ इसके सरफेस पे है ना, हाँ सर कवरिंग है ना। स्टील कहाँ पर है? दिस इज द स्टील। एंड वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ है वो क्या होगा? ये पूरा का पूरा वॉल्यूम होगा। सर दिस इज वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, है ना। मैं ये कह रहा हूं कि असली में यहां क्या हुआ कि आपका जो वॉल्यूम ऑफ स्टील है ना, इट इज लेस देन वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड हो चुका है, क्योंकि अंदर से आपका जो शिप है वो कैसा है? खोखला है। कैसा है? खोखला है। इस वजह से अंदर का वॉल्यूम जो है वो ज्यादा डिस्प्लेस, सॉरी, जो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है पानी का वो ज्यादा है इन कंपेरिजन टू वॉल्यूम ऑफ स्टील। इस वजह से इवन दो डेंसिटी ऑफ स्टील इज लेस, द बॉयंट फोर्स बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ द शिप। सॉरी, इवन दो डेंसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन वाटर, द बॉयंट फोर्स बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ द शिप, एंड दैट्स व्हाई शिप फ्लोट्स। नाउ इमेजिन दिस कि मैं, अच्छा क्या ही कर लूंगा ये करके मैं, ये तो सब सही था ना। इमेजिन दिस कि मैं इस शिप को एक बार पानी के अंदर डुबो दिया मैंने, तो क्या होगा? इस पूरे वॉल्यूम में भी पानी भर जाएगा, हाँ या ना? यस सर हाँ अब ये शिप सर अपने आप ऊपर आएगी क्या? नो सर अंडरग्राउंड हो इसलिए जाएगी तो शिप सिंक, इसलिए तो शिप जो है सिंक कर जाती है। एक बार सिंक करके तो अपने आप ऊपर नहीं आ सकती, जब तक ऊपर है तभी तक ठीक है। समझ में सर आया? यस सर तो सर सबमरीन कैसे करती है सर? क्या सर सबमरीन तो कैसे करती है सर? सबमरीन का अलग फंडा है बेटा। सबमरीन क्या करता है ना, एक सर एक पानी तरीके लेता है और छोड़ता है नहीं, एक तरीके ऐसे समझ लो, ऐसे ही मतलब बहुत ही बेसिक लेवल की सबमरीन टाइप बता रहा हूँ। मान लेते हैं आपके पास स्टील का रॉड है या स्टील का सबमरीन है, ठीक है। आपने साथ में एक गुब्बारा अटैच कर दिया, ठीक है। आपको जब डूबना है तो आपने क्या किया, इस गुब्बारे को, मैं गुब्बारा ऐसे ही रख दिया, अगर सिर्फ गुब्बारा लगा के छोड़ दिया तो ये रॉड जो है पानी में डूब जाएगा। अगर इसको बाहर आना है, गुब्बारे में हवा भर दो, गुब्बारा फैल गया, वॉल्यूम डिस्प्लेस बढ़ गया, ऊपर आ जाओगे, हाँ या ना। हाँ सर सबमरीन कुछ इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है बेटा। समझ हाँ सर में आया? हाँ सर यस ओके। सर कुछ इसी टाइप के प्रिंसिपल पे काम करता है, एग्जैक्टली तो मैं नहीं बताऊंगा बट कुछ इसी तरीके से सबमरीन काम करता है। वो क्या करता है, अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर लेता है टू कम अबव द वाटर सरफेस, ठीक है। हाँ सर कोई दिक्कत है किसी को? नो नो सर सर ठीक है, तो ये चैप्टर आपका हो गया खत्म। अच्छा इस चीज को लिखोगे कैसे, अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेता है ये, हालांकि इस साल तो आपके एग्जाम में है नहीं,
बट फिर भी लिखना होगा तो लिखोगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, द शेप ऑफ अ शिप इज सच दैट, द शेप ऑफ अ शिप इज सच दैट द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय फ्लोटिंग शिप इज मच लार्जर देन द वॉल्यूम ऑफ स्टील यूज्ड, दैट्स वाई इवन दो डेंसिटी ऑफ स्टील इज लार्जर देन वॉटर, इवन दो वॉल्यूम ऑफ स्टील डेंसिटी ऑफ स्टील इज लार्जर देन वॉटर द बॉइंट फोर्स इज एबल टू बैलेंस द वेट ऑफ शिप. ठीक है ना? दैट्स वाई शिप फ्लोट्स. ठीक है? यस सर. तो चैप्टर खत्म. नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को वो न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन पे कुछ क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है बेटा? ओके सर, डन. आप लोगों का हाफ ईयरली का जो सिलेबस है फिजिक्स का, उसमें न्यूटन इक्वेशन ऑफ मोशन के अलावा और भी कहीं पे कोई डाउट है क्या आपका? नहीं सर. और किसी जगह पे प्रॉब्लम हो रही है क्या आप लोगों को? बता दीजिए मुझे अगर हो रही हो तो. नहीं सर. नहीं, पक्का? किसी भी जगह हो रही तो बता दो. नहीं सर. सर जब होगी बता देंगे. हाँ, कभी भी होगी बता दीजिएगा. ठीक है? हाँ सर, बता देंगे जब प्रॉब्लम. ओके, घबराइएगा मत. हम ऐसा तो आपको लगता होगा, समझ में आई गया होगा ना कि अगर आप डाउट पूछोगे तो हम गुस्सा नहीं होंगे. नहीं सर. हाँ सर. ठीक ठीक है बेटा, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. थैंक यू सर. थैंक यू सर. गुड नाइट सर. थैंक यू सर. बाय सर. थैंक यू सर. बाय बाय. Thank you.